हेलो गाइस, यह है टाटा टियागो का XT वेरिएंट। इस वीडियो में आपको इस गाड़ी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन बताऊंगा। XT वेरिएंट में आपको कितने फीचर्स मिलते हैं, इस गाड़ी में आपको कैसी स्पेस मिलती है, इस गाड़ी के क्या स्पेसिफिकेशंस हैं और इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ XT वेरिएंट की। तो अगर आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जानना है तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो इस गाड़ी में आपको सबसे पहले कुछ ऐसी की मिलती है, यहाँ पर आपको तीन बटन्स मिलते हैं। ये फ्लिप की मिलती है आपको इसके XT वेरिएंट में कुछ ऐसी, और यहाँ पर इसमें तीन बटन्स मिलते हैं। सबसे ऊपर लॉक का बटन मिलता है, यहाँ से आप हेडलाइट्स को जला सकते हैं इस तरीके से, उसी बटन से बंद भी हो जाती हैं लाइट्स। और सबसे नीचे आपको अनलॉक का बटन मिलता है इसमें, और ऐसी दो कीज़ मिलती हैं इसमें। आपको दूसरी फिज़िकल की मिलेगी आपको इस गाड़ी के साथ। अब बात करते हैं इस गाड़ी की लुक्स के बारे में। तो आप इस गाड़ी की फ्रंट लुक्स को आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, कुछ ऐसी लगती है गाड़ी फ्रंट प्रोफाइल से। यहाँ पर इसमें आपको हेलोजन हेडलैम्प्स मिलते हैं XT वेरिएंट में, उसके नीचे आपको इसमें क्रोम की फिनिश मिलती है। और ये रही इस गाड़ी की ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में ट्राई एरो डिज़ाइन की ग्रिल, यहाँ पर टाटा का लोगो मिल जाता है आपको। और यहाँ पर इसमें आपको फॉग लैम्प्स नहीं मिलते हैं, एसेसरीज़ में आपको लगवाने पड़ेंगे अलग से। फॉग लैम्प्स की हाउसिंग मिलती है। ये रहा इस गाड़ी का फ्रंट बम्पर। और अब चलते हैं इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल में। तो यहाँ पर इसमें आपको 14 इंच के स्टील व्हील्स मिलते हैं, और ये जो आप ऊपर देख रहे हैं ये व्हील कैप है। यहाँ पर आपको गुडियर के टायर्स मिलते हैं इसमें। ये रहा इस गाड़ी का ORVM जिसमें आपको टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं, और ऊपर आपको नॉर्मल एंटेना मिलता है इसमें। और कुछ इस तरीके के इसमें आपको डोर हैंडल्स मिलते हैं बॉडी कलर्ड। इसमें आपको 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है। ये रहा पीछे का डोर हैंडल। और यहाँ पर इस गाड़ी में आपको 35 लीटर्स का फ्यूल टैंक मिल जाता है। रियर में इसमें आपको ड्रम ब्रेक्स मिलेंगे, फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं। और अब रियर प्रोफाइल में चलते हैं। तो ये रहा इस गाड़ी के टेल लैंप्स जो कि हेलोजन हैं, और कुछ ऐसे दिखते हैं। और इस गाड़ी की रियर प्रोफाइल में आपको यहाँ पर टाटा का लोगो मिलता है सेंटर में, उसके नीचे आपको इसमें टियागो की बैजिंग मिलती है क्रोम में। और ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी का बम्पर जिसमें आपको सेंसर्स मिल जाते हैं, दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स। और यहाँ पर आपको वोकल फॉर लोकल का स्टिकर मिलता है। यहाँ पर हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। और ये रहा इस गाड़ी का बम्पर। तो ये था इस गाड़ी का पूरा एक्सटीरियर। अब चलते हैं इस गाड़ी के इंटीरियर में। तो इस गाड़ी का डोर ओपन करते हैं अब ड्राइवर साइड वाला। तो मैं आपको अंदर से इस गाड़ी का डोर को दिखा देता हूँ। तो कुछ ऐसा लगता है इस गाड़ी का डोर जो कि आपको ग्रे फिनिश में मिलता है। यहाँ पर डोर ओपनर आपको ब्लैक मिलता है। चारों पावर विंडो के कंट्रोल्स आपको मिल जाते हैं यहीं पर। यहाँ पर आपको कोई भी सॉफ्ट फिनिश नहीं मिलती, प्लास्टिक है हार्ड। यहाँ पर स्पीकर मिल जाता है एक, और यहाँ पर थोड़ी सी स्पेस मिलती है बॉटल रखने के लिए। यहाँ पर आपको ORVMs इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल मिल जाते हैं। और यहाँ पर आपको AC वेंट्स मिलते हैं जिसके सराउंड में आपको क्रोम फिनिश मिलती है। और ये रहा इस गाड़ी का पूरा डैशबोर्ड, अंदर से कुछ इस तरीके का लगता है, ये आप देख सकते हैं। और स्टेयरिंग व्हील आपको इसमें फ्लैट बॉटम मिलता है। यहाँ पर टाटा का लोगो मिलता है। यहाँ पर वॉल्यूम के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश मिल जाती है आपको, और यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल नहीं मिलता। और ये रहा इस गाड़ी का फुल डिजिटल मीटर जिसके सराउंड में आपको क्रोम फिनिश मिलती है। यहाँ पर वाइपर के कंट्रोल्स मिलते हैं, और यहाँ पर आपको हेडलाइट के कंट्रोल्स मिलते हैं। और ये रहा इस गाड़ी का सेंटर कंसोल। सबसे ऊपर आपको इसमें दो AC वेंट्स मिलते हैं जिसके सराउंड में आपको क्रोम फिनिश मिलती है। यहाँ पर आपको एक म्यूज़िक सिस्टम इसमें मिल जाता है। यहाँ पर इसमें आपको मैनुअल AC मिलेगा। और यहाँ पर चार्जिंग पोर्ट्स मिल जाते हैं 12 वोल्ट का और एक USB का। उसके नीचे इसमें आपको थोड़ी सी स्पेस मिलती है। और ये रहा 5-speed का मैनुअल गियर बॉक्स। और यहाँ पर आपको दो कप होल्डर्स मिलते हैं, और हैंड ब्रेक मिल जाती है आपको, और कोई भी आर्मरेस्ट इसमें आपको नहीं मिलता है। ये आप देख सकते हैं पीछे आपको एक बॉटल रखने की जगह मिलती है। ग्लव बॉक्स इस गाड़ी में आपको कुछ ऐसा मिलता है जिसमें आपको डिसेंट स्पेस मिलती है। यहाँ पर AC वेंट्स मिलते हैं। और सनवाइज़र में वैनिटी मिरर नहीं मिलता ड्राइवर साइड। यहाँ पर आपको माइक मिल जाता है। और यहाँ पर मैनुअल IRVM मिलता है इसमें आपको। यहाँ पर इसमें आपको सनवाइज़र में वैनिटी मिरर मिल जाता है को ड्राइवर साइड। यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिलता है।
और कुछ इस तरीके की सीट्स मिलती हैं इसमें आपको। फ्रंट में एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलते हैं, फैब्रिक सीट्स हैं। तो ये था इस गाड़ी का पूरा इंटीरियर और इसमें मिलने वाले फ़ीचर्स। अब चलते हैं इस गाड़ी की रियर सीट्स में, और अब चलते हैं इस गाड़ी में पीछे और देखते हैं कि ऐसी स्पेस मिलती है आपको रियर सीट्स में। तो कुछ ऐसा डोर मिलता है आपको पीछे, डोर ओपनर आपको ब्लैक मिलेगा। यहाँ पर ट्विटर मिल जाता है, यहाँ पर पावर विंडो का कंट्रोल मिलता है, और यहाँ पर नीचे आपको इसमें स्पीकर मिल जाता है। यहाँ पर बॉटल रखने की जगह मिलती है, और ये रही इस गाड़ी की रियर सीट्स। अब चलते हैं इस गाड़ी के अंदर। तो ड्राइवर सीट जो है वो पूरी पीछे है, उसके बाद मुझे डिसेंट सी स्पेस इसमें मिल रही है। लेग रूम देख सकते हैं आप, अंडर थाई सपोर्ट भी डिसेंट है, और यहाँ पर ये हैंडल मिल जाता है, और यहाँ पर रीडिंग लाइट मिलती है सेंटर में वाइट कलर की। और ऐसा लगता है इस गाड़ी का डैशबोर्ड पीछे से XT वेरिएंट का। रियर में आपको कोई भी AC वेंट्स नहीं मिलते, काफ़ी बड़ा आपको टनल मिल जाता है। एक दो जन आराम से बैठ सकते हैं पीछे। आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट मिलते हैं पीछे की तरफ, यहाँ पर ग्रैब हैंडल मिलता है। पीछे आपको पार्सल ट्रे मिल जाएगी इसमें, और डिसेंट सी स्पेस है इस गाड़ी की रियर सीट्स में। अब देख लेते हैं इस गाड़ी की बूट स्पेस को। तो यहाँ पर इस गाड़ी में आपको कुछ ऐसी बूट स्पेस मिलती है, 242 लीटर्स की इस गाड़ी में बूट स्पेस मिलेगी आपको टियागो में, जो कि डिसेंट है इस गाड़ी के लिए। यहाँ पर पार्सल ट्रे मिल जाती है पीछे, और इसे बंद कर देते हैं अब। और अब इस गाड़ी के मीटर को ऑन करते हैं तो आपको कुछ इस तरीके का एनिमेशन देखने को मिलेगा इसमें। ये फुल डिजिटल मीटर आपको इस गाड़ी में मिलता है टियागो में, और यहाँ पर आपको RPM मीटर मिल जाता है। सेंटर में आपको स्पीडोमीटर मिलेगा इसमें, और यहाँ पर आपको फ्यूल गेज मिलता है। और ये रहा इस गाड़ी का म्यूज़िक सिस्टम, जिसमें आपको टच कंट्रोल्स मिलते हैं पूरे। ये आप देख सकते हैं इस गाड़ी के मीटर को। तो ऐसा था टियागो का पूरा इंटीरियर और इसमें मिलने वाले फ़ीचर्स। यहाँ पर टियागो में आपको दो लीवर्स मिलते हैं, एक फ्यूल लिड को ओपन करने के लिए और एक टेल गेट को ओपन करने के लिए। इस गाड़ी में आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि 85 BHP की पावर और 113 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस गाड़ी में आपको 20.09 KMPL का माइलेज क्लेम किया जाता है। अब बात करें इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस के बारे में टियागो के XT वेरिएंट की, तो इस गाड़ी की ऑन रोड प्राइस है 6.99 लाख रुपीज। तो ये था टियागो के XT वेरियंट का फुल वॉक अराउंड रिव्यू। और अगर आप इसी तरीके की और वीडियोज को देखना चाहते हो तो नीचे यश ऑटो कार्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको नई वीडियोज की नोटिफिकेशन मिल जाए।